कि कुछ दिन पहले पूरे इंडिया में हल्ला मच गया था प्रभास सर के सलार का ओवरसीज राइट के कारण, लेकिन आज फाइनली थालापट्टी विजय सर का भी लियो का ओवरसीज राइट बेचा गया है। तो आइए जानते हैं लियो की कितनी कमाई हुई ओवरसीज बेच कर। जहां तो भाई पहले आपको बता दूं, सलार का ओवरसीज राइट पूरे 90 करोड़ के ऊपर में बेचा गया और एक इंडियन सिनेमा में एक रिकॉर्ड ही बन चुका है सबसे ज्यादा करोड़ में राइट बेचने का, वो भी ओवरसीज का। लेकिन वहीं थालापट्टी विजय सर के लियो फिल्म का 90 करोड़ में नहीं बल्कि 60 करोड़ में बेचा गया। कोई फार्स फिल्म नाम की एंटरटेनमेंट कंपनी ने खरीदा है लियो का राइट। आपको बता दूं, इससे पहले भी लोकेश कनकराज की विक्रम फिल्म का भी ओवरसीज राइट 60 करोड़ में बिका था और उससे थोड़ा कम 52 करोड़ में चियान विक्रम सर का पोनियर सेल्वन का बिका था और इन तीनों फिल्मों को एक ही कंपनी ने खरीदा है, फार्स फिल्म एंटरटेनमेंट, और ये दुबई की कंपनी है। मगर वहीं प्रभास सर की सलार को किसी अमेरिकन कंपनी ने खरीदा है। देखिए ऐसा नहीं है कि सलार लियो से ज्यादा बड़ा है इसलिए उसका डिमांड ज्यादा है ओवरसीज मार्केट में, ना भैया। दोनों ही फिल्में एक बराबर की है, दोनों ही फिल्में गैंगस्टर वाली है और दोनों ही यूनिवर्स वाली फिल्म भी है। एक KGF यूनिवर्स का पार्ट है तो दूसरा LC यूनिवर्स का है और सबसे बड़ी बात, दोनों के ही बनाने वाले मास्टर क्लास डायरेक्टर हैं, एक प्रशांत नील जिन्होंने KGF दिया और दूसरा लोकेश कनकराज जो विक्रम के रूप में एक हॉलीवुड एक्शन पैक फिल्म दिए इंडिया को। बस भाई फर्क इतना है, सलार इंग्लिश लैंग्वेज में भी डब हो रही है एक्स्ट्रा में। और वहीं थालापट्टी विजय सर के लियो सिर्फ इंडियन लैंग्वेज में रिलीज होगी और इसलिए सलार का स्कोप ज्यादा है ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि उससे इंग्लिश ऑडियंस भी देखेंगे और इसी कारण ही उसका ओवरसीज राइट कोई हॉलीवुड की कंपनी खरीद रही है। खैर कोई नहीं, हमारे विजय सर भी पहले पैन इंडिया मार्केट जीतेंगे, यहाँ उनके हर एक स्टेट में फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी, तब उसके बाद वो भी प्रभास सर जैसे चले जाएंगे अपने किसी फिल्म को हॉलीवुड में रिलीज करने के लिए। वैसे आपको बता दूं, ये विजय सर का लियो से पांचवा अटेम्प्ट है पैन इंडिया आने का। सबसे पहले इनकी 2015 में पुली फिल्म आई थी पैन इंडिया, फिर उसके बाद मास्टर, फिर बीस्ट, फिर इस साल बारूसू आई जो थोड़ा अच्छी चल गई यहाँ नॉर्थ इंडिया में, और अब फिर से लोकेश कनकराज के साथ लियो फिल्म ला रहे हैं और इस लियो का क्रेज हिंदी बेल्ट में भी काफी भयंकर है, यानी कि थालापट्टी विजय सर की पांचवा फिल्म पैन इंडिया हिट हो ही जाएगी। अब तो विजय सर ने इंस्टाग्राम पर भी एंट्री ले ली है, मतलब आप वहां से भी अपडेट भेजती रहेंगे अपने लियो फिल्म से। वैसे दोस्तों आप हमें बताना कमेंट में, जैसे वारसू का हिंदी बेल्ट में ओपनिंग सिर्फ 40 लाख से हुई थी तो क्या अब की बार लियो की नॉर्थ इंडिया में ओपनिंग 40 करोड़ से हो सकती है या नहीं, लिखेगा जरूर अपनी राय। और साथ में ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।